मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेश भर में भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनता को रूबरू कराने में जुटे हैं। इस क्रम में रुद्रपुर से सांसद गीता शाक्य और क्षेत्रीय सांसद केपी सिंह अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मोदी सरकार की योजनाओं की जमकर प्रशंसा की है। मैं आपको चाहूंगा कि आपके ही इस जिले में मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किया था और आज वहां काम भी पूर्ण हुए हैं, क्योंकि अभी तक और अगर अशोकनगर के लिए अगर घोषणा हुई है तो निश्चित ही वो पूरी होगी। जो जो हमने कहा वो हमने किया। अगर हम हमारे जिले की बात करें तो ऐसे अनेकों अनेक कार्य यहाँ आए हैं, और पूरे लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी कई ऐसे काम आए हैं। हमारे जिले में अभी तक हम नेशनल हाईवे को टच नहीं करते थे, लेकिन नेशनल हाईवे बन रहा है 347, काम भी उसका चालू हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ऐसे अनेकों अनेक काम है। आप जिस चीज का पूछे, 300 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ का स्वीकृत हो गया है, उसका काम भी होगा। ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जिसमें केंद्र ने या प्रदेश ने यहाँ काम ना किया हो। अनेकों अनेक काम हुए। और रही बात, आपने कहा कि अशोकनगर को क्या मिला, मुझे लगता है हर उस गरीब को जिसको प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिला है वो भी काम है। हर उस माता बहन को जिसको गैस का चूल्हा मिला है वह भी काम है। हर एक व्यक्ति को, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उसको उज्ज्वला का लाभ मिला हो, चाहे किसी भी योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला हो, आज लाखों लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें आयुष्मान के कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए अयोध्या में? आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 550 साल से जो मुद्दा चल रहा था उसका अगर निपटारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के